तो नमस्कार, दिल खोल के स्वागत है आप सभी का। और आज हमारा सेशन है ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस मैंने लाया है जो लगातार बार हर बार पूछा जाता है। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और अब ये जो मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए मैंने बनाया है सेटअप, इसमें आप थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाइएगा कि साइन ए माइनस बी एक बटा दो, कॉस ए प्लस बी एक बटा दो है, तो ए प्लस बी का सॉरी ए और बी का वैल्यू कितना होगा, इसके ट्रिक में मैं बताऊंगा। लेकिन पहले प्रोसेस पे आते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले सॉल्व में लिखेंगे क्या कि हेयर साइन इंटू ए माइनस का बी, भाई साहब कितना है अपने पास, एक बटे का दो है। एंड कॉस इंटू ए प्लस बी का जो वैल्यू है एक बटा दो है। एट फर्स्ट टर्म से अगर इसको चलेंगे, क्या हम लिख सकते हैं कि साइन इंटू ए माइनस बी बराबर एक बट्टा का दो। अब जो चीज़ इधर साइन में है, अगर वही चीज़ इधर साइन में आ जाएगा तभी तो कैंसल आउट होगा। तो एक बट्टा दो का जो वैल्यू साइन में होता है वो कितना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन में कितना, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री, लिखेंगे यहाँ पर चूँकि साइन का जो 30 डिग्री बराबर वैल्यू होता है एक बटा दो होता है। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब ये साइन से ये साइन कैंसल आउट नहीं करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं कंपेरिजन, तुलना करेंगे। तो ए माइनस बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 30 डिग्री के बराबर इक्वेशन एक में रखेंगे, कोनो दिक्कत नहीं। इसी तरह से इस वाले भाई साहब को देखेंगे तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू एक बटा का दो होता है, लेकिन इधर कॉस आएगा तभी ये हटेगा। दैट मीन्स कॉस को रिमूव करने के लिए उधर कॉस लाना है, और कॉस में हम लोग जानते हैं 60 डिग्री का जो वैल्यू है एक बटा का दो होता है। कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कह देंगे हम लोग, कोनो दिक्कत नहीं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की जब बात करेंगे तो चूंकि यहाँ पर साइन 60 है, कॉस 30 का वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड की जब बातें करेंगे भाई साहब, तो a माइनस का b इज इक्वल टू अपने पास है 30 डिग्री, एंड a प्लस b का जो वैल्यू है अपने पास है कितना, 60 डिग्री। सो दैट मीन्स अब आप इसको जोड़ दीजिए, a में a को जोड़िएगा तो कितना, दूगो a हो जाएगा, लेकिन माइनस b में प्लस b को जोड़िएगा रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। दैट मीन्स 30 और 60 को जोड़िएगा अपने पास रिजल्ट 90 डिग्री आएगा। ए दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। दैट मीन्स ए की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो 45 डिग्री आ गई। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं। तब देखिएगा जब ए की वैल्यू इतना आया तो समीकरण एक से हम लोग चले या दो से चले, बात वहीं पे जाएगी। समीकरण एक से चलने पर हम क्या पाते हैं, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और ए के जगह पर 45 चिपकाइएगा तो 45, और माइनस का बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट मीन्स माइनस का जो बी है ये वाला, ये माइनस का जो बी है इधर जाएगा तो ये प्लस का बी, लेकिन ये प्लस 30 इधर आएगा तो माइनस का 30, तो 45 माइनस का 30 और ये हो जाएगा 15 डिग्री। दैट मीन्स इक्वल टू बी, बी का मान जो आ गया वो 15 डिग्री। ये ऑड लग रहा है अपने को, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बी का वैल्यू 15 डिग्री डाल दिया। तो ये आपका प्रोसेस वाइज मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब जरा सुनिएगा, बी का वैल्यू 15, ए का वैल्यू 45, तो दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। और साइन में दोनों को जोड़ के 60 आया तो कॉस 60 का वैल्यू एक बटा दो, घटा के कितना आना चाहिए, 45 और 15 का डिफरेंस 30 आता है, तो साइन 30 का वैल्यू एक बटा दो। दैट मीन्स हमने जो बनाया वो पूरा 100% सही बनाया। और इस तरह से आप इसको टैकल करते हैं तो उम्मीदें रखिएगा पूरी नंबर आपको दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीदें हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू वेरी मच।